सड़क हादसे में 5 की मौत। बालाघाट जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। बालाघाट जिले के नवगांव थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कन्हड़गांव के समीप एक मोटरसाइकिल सवार 3 लोग ट्रक की चपेट में आने से एक की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ला जा रहा था, इसी दौरान दोनों की मौत हो गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सेवाग्राम पिता पुरल लाल नकपुरे उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम चिकला, संजीव पिता अर्जुन दसहरे उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पुगालपुर, सुरेश पिता रतिराम बंबूरे उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम लवेरी मोटरसाइकिल में सवार होकर शादी में शामिल होने के लिए ग्राम लिंग आ रहे थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल वाहन को पिकअप वाहन से गोंदिया मार्ग स्थित कन्हड़गांव में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर जिससे ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। कहाँ रहते हैं? सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, कहाँ के हैं, कब हुई है? एक है ग्राम चिकला के, एक है ग्राम लवेरी और एक है गोपाल। कहाँ जा रहे थे? बुंगली शादी। कितने बजे घटना हुई, कहाँ से हुई? 11:30 के बाद की घटना, 11:30-12 के आसपास। ट्रक और पिकअप के साथ हुई। सड़क स्पॉट पे मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला भरवेली थाना अंतर्गत आने वाले बैयर मार्ग पर ग्राम पीपर टोला के पास से एक ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 27 वर्षीय युवक वीरेंद्र पिता शंपर ठाकरे ग्राम बिठली निवासी, जो रात्रि में शादी में समारोह में शामिल होने गया हुआ था, जहां से वह लौट रहा था कि सामने से आ रहे एक ट्रक चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया। वहीं एक माह पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल टैक्सी पिता दयाराम चंदेल उम्र 36 वर्ष ग्राम टेकाड़ी कालीमाटी थाना कटंगी, जो सड़क हादसे में एक माह पूर्व घायल हो गया था, जिसे उपचार हेतु डॉक्टरों द्वारा रेफर किया गया था, जिसकी हालत ठीक नहीं होने से डॉक्टर द्वारा उन्हें घर ले जाने के लिए सलाह दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उपचार के लिए वापस जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस द्वारा 5 ही शव का परीक्षण करवाकर परिवार जनों को सौंप दिया गया है। वहीं 3 ही मामले में अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा मार्ग कायम किया गया है।